मेरा नाम रेमंत कुमार मिश्रा है। मैं भी राज सम्मानित हूँ और देश विदेश से कई जगह से सम्मान भी मिला है और अभी तक 8 देश भ्रमण कर चुका हूँ। इटली मॉरिशस भी किया, चाइना भी गया, सिंगापुर भी गया सर, श्रीलंका भी गए थे। इस तरह से बहुत देशों में कला का प्रचार प्रसार किए सर, बनाता आ रहा हूँ सर। धन्यवाद सर। अच्छा, ये भी बनाते? हाँ, ये भी वाइट स्टेट बार मिली है, अभी आज से एक हफ्ता पहले मिला बिहार सरकार, बिहार उद्योग विभाग से राज्य पुरस्कार। उत्कृष्ट कला में, उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने में शिल्पी को उनको राज्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये मिला है इस बार। नमस्कार। मिथिला पेंटिंग का जो इतिहास जो है, इसका कब से ये बनाया गया, इसका कोई वैकल्पिक इस तरह का नहीं है। एक्चुअली ये तो राजा जनक का ही देन है, विदेह का देन है ये कला। ये मिथिला में हर घर, हर दीवालों पर ये, हर वहाँ के जो उपनयन मुड़न जो संस्कार है वहाँ का कल्चर में, संस्कृति में, तो उसका ये देन है ये कला। ये कला सब कोई वहाँ बनाते हैं, सब जानते हैं। ये 1934 के दशक में भूकंप हुआ था बिहार में, जो उस टाइम गवर्नर, ये गवर्नमेंट इंग्लैंड गवर्नमेंट का हुआ करता था, अधीन होता था कोई मधुबनी में, वहाँ पर GWRCHDM हुआ करते थे। वही इस कला को देखे सबसे पहले उन्होंने, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कर करके वो अपने देश UK ले गए, वहाँ के म्यूजियम में इस तरह कर रखे। उसके बाद इसका कलांतर से इसका विकास होते गया है। मिथिला पेंटिंग उसमें ज़्यादातर हम लोग जो बनाते हैं कि इस टाइप का जो काम होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप का था इसको, जो ये आँख साइड आँख फेस होता है, डबल लाइन होता है, कचनी होता है, इसको मिथिला पेंटिंग करते हैं। इसी में ये जो काम हुआ इसको हम लोग लाइन वर्क करते हैं। इसी में एक श्रीयंत्र पेंटिंग होता है, ये लाइन वर्क हो गया। इसी में इसको हम ये अलग रूप में देते हैं, जो इसको हम लोग गोदना पेंटिंग करते हैं, इसको इसको फिर गोदना पेंटिंग। इसमें भी शैली हुआ करता था, कम्युनिटी हुआ करता था। मिथिला पेंटिंग ज़्यादातर ब्राह्मीण फैमिली में बनाया जाता था, अपर कास्ट में आता था, ये ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट में लोग बनाए जाते थे। लेकिन अभी के टाइम में इसके मिथिला कला में, मधुबनी चित्रकला में, हर सभी कम्युनिटी, चाहे हिंदू भी हो, मुसलमान भी, वो भी बनाते हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं, आप ये आप सबको जानते हैं, जिसको कला के बारे में पता है वो सब बनाते हैं, सभी कम्युनिटी सभी लोग बनाते हैं। यही एकता है, अनेकता में एकता है, ये भी बहुत बड़ा दर्शा रहा है।